हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिश्की। सो फिर से आ चुकी हूँ आज एक और न्यू मस्तार वीडियो के साथ। और आज मैं हूँ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड ओएमजी एम्पायर में। सो गाइस, तुम लोग को एक चीज़ दिखाना था कि लास्ट वीडियो में जैसे मैंने तुम लोग को पूछा था कि मैं आइलैंड्स में सेपरेट रखूँ या एक मैसिव बड़ा आइलैंड, तुम लोगों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। तो इसलिए मैंने सेपरेट आइलैंड करना चालू कर दिया है। तो ये हम लोगों का जो हाँ तो ये हम लोगों का जो एक जिस पे हम लोगों ने घर घर बनाया था, ये थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसको तोड़ के थोड़ा सा कर दिया है। तुम लोग को मतलब देखो यार, तुम लोग ये देखो, ठीक है। तो ये एक सेपरेट आइलैंड बन गया। फिर अब ये आइलैंड को पूरा मुझे हटाना पड़ेगा। फिर मतलब बहुत कुछ अभी काम धाम है, तो तुम लोग को धीरे धीरे चेंजेस दिखने लग जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी तुम लोग को मैं नीचे लेके जाती हूँ, वो चीज़ क्या है वहाँ पर, तो वो चीज़ तुम लोग को बताने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो देखो, और हाँ तुम लोग को एक चीज़ बता देती हूँ, ये देखो एनविल वगैरह ये सब के लिए सब कुछ बताती हूँ। ये जो फार्म है मैं बनाने वाली हूँ, ये फार्म ऑलरेडी मैं एक बार बना चुकी हूँ। मतलब रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं किया था, बट बना चुकी हूँ पूरा नहीं, बट हाँ ये ब्लॉक्स व्लॉक्स लगाकर इसका मतलब स्ट्रक्चर बना लिया था। बस इन जनाब लोगों को भरना था, बट उस टाइम पता मेरे को दिखा रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं किया था बाबा। तो तुम लोग प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि मैंने क्रिएटिव से निकला या कुछ भी, बस ये सब मैंने खुद लेकर आया हूँ। उस चक्कर में मैं मर के भी आई हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपी तुम देख सकते हो क्या हाल है, कहाँ मेरा एक्सपी था और आज का क्या है। रही बात आयरन कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास, इतना कि मैंने एक एनविल बना लिया जिसके लिए भाई एक सेकेंड। अच्छा यही सोचू कि ये बच्चे निकल कहाँ से रहे हैं, ये लोग ऐसे जगह नहीं है या बच्चे पता नहीं चल रहा है। मैं बच्चे को मारूंगी तो ये चच्चा मुझे मार देंगे। समझ ही नहीं आ रहा इस बच्चे को अंदर लेके जाओ कैसे। ये रुको रे, एक बेड बना के आती हूँ, एटलीस्ट बच्चा बेड कह रही हूँ, क्या बोलते हैं बोट, बच्चा लीक हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। बच्चा बैठ जा, वेरी गुड, चलो। हाँ तो ये देखो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक जो मैंने बनाया भी नहीं है गोलम फार्म आयरन फार्म चल रहा है। और हाँ इतना मैंने वो इतना ये सब तोड़म ताड़म किया है ना, तुम लोग देखो बस, ये देखो बहुत कुछ है। और यहाँ पर हाँ यहाँ पर भी बहुत कुछ है। ओके तो अभी बनाना चालू करते हैं और मैं ट्राई करूंगी तुम लोगों को अच्छे से बताओ सब, मतलब एकदम प्रॉपर वे सब कुछ। हाँ ये देख लो भाई सामान, ठीक है। तो देखो तुम लोग, ठीक है इधर से 9 होगा, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, इधर से 9 ये 9 हो गया। अब इधर से 2 ब्लॉक छोड़ना, 1 2 ये छोड़ा ये छोड़ा ये 2 ब्लॉक। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 छह ब्लॉक की इधर तुम लाती, फिर इधर से तुम इधर से एक्सटेंड करती, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक इधर एक्सटेंड करती, फिर इधर से 4 ब्लॉक लेके जाती, 1 2 3 4 5 ब्लॉक गलती से मिस्टेक, इधर से 1 ब्लॉक तुमको एक्सटेंड करना पड़ती, ठीक है। और इधर से 2 ब्लॉक छोड़ के इधर से लाती 4 ब्लॉक, और इधर से 1 ब्लॉक तुम लेती बनाती। ओके आई होप तुम समझती। अब चलो इसको पूरा 1 ब्लॉक एक्सटेंड हाइट बढ़ाते 1 ब्लॉक, ओके। ओके अब देखो, अब ये वाला जो एरिया है ना इसको गिन ना जाओ, हाँ
इसको एक ब्लॉक और एक्सटेंड करो, आई मीन एक्सटेंड नहीं, हाइट पर बढ़ाओ, ठीक है? अब इधर से दो ब्लॉक छोड़ना, ठीक है? वन टू, ऐसे भी देख के छोड़ सकते हो, वन टू, फिर इधर से ये थर्ड वाले से दो छोड़ा ना, एक दो, हाँ इधर से एक दो लग जा तीन, हाँ इधर से फिर से एक उठाओ और यहाँ पर एक गैप छोड़ना खिड़की जैसा, ओके? ये देखो खिड़की, और इधर को रहेगा तीन ब्लॉक का जो तीन स्पेसिंग और इधर दो स्पेसिंग, ओके? अब ये क्यों बताती हूँ, रुको जरा, रात रात ही हो रहा है, पता नहीं क्यों, ओके? अब हमको स्लैब की जरूरत पड़ती तो हम सब स्लैब ले लेती, और इधर का रात होती हम सो के आती, तुम इधर ही वेट करती, हम दो मिनट में जाती, एक मिनट में आती, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके? तो इन सब के पहले अभी भाई तुम दोनों थोड़ा वार्तालाप करना बंद करोगे प्लीज, बकते जाते, कितना बकना है तुझे? इनका बकना तो खत्म होगा नहीं, तो मैं एटलीस्ट अपने काम में लग जाती हूँ। हाँ क्या मुंडी क्या हिलाता है तू, हैं हैं क्या मुंडी हिलाता है, छोड़ो। हाँ तो देखो ये जो स्लैब मैंने लिया है इसको ऐसे में तुमको 19 लेकर जाना है, ठीक है? अब बताती हूँ कैसे, ठीक है? इधर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ओके 19 हो गया। अब इधर मैं तुमको 20 ब्लॉक्स लेके जाने हैं, तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 हो गया। अब इधर से सेम है, उसको उधर से ऐसे ज्वाइन कर दो अब, ओके? अब ये पूरा जो जगह देख रहे हो इसको फिल अप कर दो स्लैब से। सो हम लोगों ने ये भी कर लिया है, ठीक है? देखो अब देखो तुम लोगों को अब जो करना है वो चीज के लिए मेरे को पानी का बाल्टी लगेगा, मैं इधर से उठती हूँ, ओके मैं उधर, ओके बच्चा बड़ा हो गया, नाइस, ओके। देखो अब तुम लोगों को इसके ऊपर भी स्लैब प्लेस करना है ताकि यहाँ पर कोई और मॉब्स वगैरह स्पॉन ना हो पाए, ठीक है? और तुम लोगों को बता देती हूँ ये फार्म जो बना रही हूँ ये मैंने एक बार अपने डाइनो एम्पायर में बनाया था, तुम लोगों को जिन्होंने जो मेरे पुराने थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा। और सच बताऊँ तो इस फार्म में रेडस्टोन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, और ये फार्म वन ऑफ माई फेवरेट फार्म है, ठीक है? आयरन का मेरा वन ऑफ माई फेवरेट फार्म है, बिकॉज मैं रेस्टोरेंट का, हाँ तो इसमें कोई रेस्टोरेंट का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है? और मैं थोड़ा सा कॉबल लेकर आ जाती हूँ, कॉबल किसमें का इसमें ना, ओके हाँ तो ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है, वो आने तो थे, हाँ तो ये वन ऑफ माई फेवरेट फार्म है, वही है ना स्लैब, हाँ है, ओके। अब ना मैं इधर को थोड़ा सा दिखने में, हाँ थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ब्लॉक, हाँ है, हाँ तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा कॉबल वगैरह लगा देती हूँ, बाकी ये कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग कर भी सकते हो ना भी कर सकते हो तुम्हारे ऊपर, बाकी मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में यहाँ पर तो इसलिए लगा रही हूँ, ठीक है? अब देखो इधर का साइड में कॉबल नहीं लगाऊंगी, इधर के साइड में लगाऊंगी स्लैब, अब स्लैब है लग जा, फिर छोड़ो नीचे ही जाके लगाती, इधर को लगाऊंगी मैं स्लैब। अब स्लैब के बाद यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक बोट, जो कि बोट वो दोनों बैठे उन दोनों में से किसी एक को मुझे ऐसे इधर को लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बोट लगाऊंगी, ठीक है? बोट वाला काम हम अंत में करेंगे। अब इधर को भी तुमको कॉबल वगैरह नहीं चाहिए, मैं बस दिखने में अच्छा लगा इसलिए कर रही हूँ कॉबल वाला चीज़, तुम लोग चाहो तो ना भी कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे बस थोड़ा दिखने में अच्छा चाहिए। अब देखो अब जो काम है वो सुबह ही करेंगे, बट फिलहाल मैं बता देती हूँ इधर से
चलो तुमको सुबह ही मिलाते हैं। ओके सो गाइस, अब जो काम है ना वो थोड़ा ऐसा इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। अब वो क्या है तुमको दिखाती हूँ। इधर से मुझे लावा बकेट भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे बोर्ड था अरे मेरे पास, लगा देती हूँ। देखो जरा भाई, उठ जा। ओके अब देखो, बोर्ड को ऐसे तुमको लगाना है ऐसा, ठीक है। अब ये बोर्ड का जो मुंह है सामने का, ये सीधा इस विंडो, हाँ विंडो से इधर को देखे, ठीक है। अच्छे से लगाना, अगर ये तुम लोगों ने गलती कर दी तो पूरा फार्म ही बेकार बन जाएगा, मतलब उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा उसके बाद। तो ट्राई करना पूरा अच्छे से तुम लोग लगाओ इसको। ओके परफेक्ट, अभी मैं इधर से निकलती हूँ। और हाँ, तुम लोग ट्राई करके देख भी सकते हो कि तुम लोग जब निकल रहे हो इधर से आ रहे हो कि नहीं। ये मेरा थोड़ा बहुत अच्छा छोटा सा मोटा सा लॉजिक है, बाकी आई थिंक ये काम मतलब वो होगा नहीं, बट फिर भी ऐसे बोलने में क्या जा रहा है मेरे। अब देखो, अब ये करना है कि तुमको इधर से एक पानी डालना है ऐसे कर, सॉरी पानी नहीं, हाँ इधर से एक ब्लॉक लगाना है एक दो। फिर यहाँ पे तुमको, यहाँ पे जो चीज़ लगेगा वो चीज़ अभी हम लगाएंगे नहीं, बस मुझे अभी नीचे कूड़ा वो करते हुए जाना है। देखो यहाँ से तुम लोग को अगर यहाँ से हो गया, ठीक है, इधर से एक दो लगाया, नहीं सॉरी इधर से नहीं, हाँ इधर से नहीं, इधर से नहीं, एक ही साइड से। यहाँ पर तुमको लगाना होगा फेंस गेट, यस मैं लेकर आई हूँ, ये स्लॉट का लेकर, ये रहा फेंस गेट। ऐसा लगा दो, इसके मुंह के सामने ये, इसके मुंह के सामने ये, ये ये, इन सबको खोल दो ऐसे। अब तुम लोगों को ये जो फेंस गेट के नीचे जो ब्लॉक है, ये वाला जहाँ पर मैं हूँ, इसको डायरेक्ट नीचे 21 ब्लॉक नीचे तुमको लेके जाना है, 21 ब्लॉक। और मैं अभी फेंस गेट को हटाने वाली हूँ क्योंकि मुझे ऊपर आने का भी रास्ता देखना होगा ना, अभी तो फिलहाल यही है मेरे पास रास्ते का नाम में। तो अभी मैं फेंस गेट को इसलिए हटा रही हूँ, ठीक है, मैं फिर से आकर इसको लगा दूँगी, मतलब जब रास्ता कर लूँगी फिर। हाँ भाई इससे तो ठीक है, तुम लोग ऐसे करके कर सकते हो। तो 21 ब्लॉक, वो भी ऐसे में, ठीक है, जैसे फेंस गेट लगा था वैसे में 21 ब्लॉक नीचे जाना है। तो अब चलते 21 ब्लॉक नीचे, नीचे अगर कुछ हुआ ना ऐसे टपक वपक जाऊंगी पूरा मैं, वैसे टपक तो गई थी, फिर से टपक जाऊंगी। ओके सो गाइज, ये देखो मैं 21 ब्लॉक नीचे हूँ, ऊपर वहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 21 ब्लॉक नीचे हूँ मैं, ठीक है। और इसका जो वाई एक्सिस होता है ना, हाँ वाई एक्सिस है, वो है 43। तो वाई एक्सिस है 43 नहीं, हाँ तो इसका वाई एक्सिस है 43। अब ऊपर चलते हैं, अब मुझे इसका एंट्रेंस भी बनाना है और बहुत कुछ बनाना है, क्योंकि मैं ऊपर जाकर ही तुम लोगों को उसका बता सकती हूँ वो चीज़ कि कहाँ से बनाना है। तुम ऐसे रैंडमली कहीं एक साइड से नहीं बना सकते हो, ठीक है। ऊपर चल जा जल्दी, हाँ पानी छोड़ देती हूँ ना, कैसे अगर मैं टपक वपक गई तो यप। तो चलो अब देखो, तो देखो गाइस, अब ये तो है विलेजर्स का केबिन, ओके, और ये होगा जॉम्बी का केबिन, ठीक है। अब जिधर को जॉम्बी का केबिन है उसके इस साइड से, उसी साइड को तुमको आने जाने का रास्ता बना, मतलब उधर से तुम ऐसे जाओगे फिर आयरन लोगे फिर आओगे ऐसे टाइप का, ठीक है। तो तुम इधर से ही बनाना क्योंकि इस तरफ को वो मरेगा, गोलम्स इधर को मरेंगे, तो तुमको इधर से रास्ता बनाना होगा, ठीक है। अब मैं इसका सेंटर लेके चल रही हूँ और ये तोड़ देती हूँ, पता नहीं क्यों मैं गिरती पड़ती रहती हूँ। ओके तो ये 9 ब्लॉक्स है, तो इसका सेंटर होगा 5th वाला, तो 1 2 3 4 5, तो सही रखा है। अब मुझे इसको सेम 21 ब्लॉक मुझे इसको नीचे लेके जाना है, सेम 21 ब्लॉक। तो तुम लोगों को 21 ब्लॉक नीचे लेके, ये ले नीचे जाकर तुमको मिलती हूँ। ओके सो मैं 21 ब्लॉक नीचे आ गई हूँ। अब जितना मुझे पता है कि इस तरफ को होना चाहिए, जो मैंने अभी वो बक्सा टाइप का वो फोकर वो फोर का जो मैंने अभी नीचे लेकर आई हूँ, मतलब वही माइन करते करते, तो वो इधर को ही होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, इफ इधर को होगा तो मैं पूरा सही हूँ,
इधर को क्या मॉब्स का आवाज आ रहा है? प्लीज इधर को होना चाहिए। पानी कहाँ से आया? ओके ओके, सही हूँ, यस आ गई हूँ। अब भाई इधर से ऊपर चलते हैं और पानी को लेकर आते हैं। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर काम होगा, हम लोगों को काम है, ठीक है। अभी जब हम लोग एंट्रेंस बना चुके हैं तो हम लोग एंट्रेंस से जाएंगे। अभी मेरे पास ओके, मैंने चेस्ट ले ही लिया था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब नीचे जो भी काम है सब नीचे ही है, मैंने सब लिया है ना। गेट तो ऊपर के लिए चाहिए होगा, मुझे ये चाहिए, ग्लास चाहिए, कॉपर चाहिए, ओके चलो सब है। अभी नीचे चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा इधर से उधर को खाली करते हैं और फिर यहाँ पर लगाते हैं जो कि हॉपर्स वगैरह चेस्ट वगैरह लगाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेसिंग रख देना तुम लोग, अगर ऐसे चलने फिरने के लिए जगह रखना चाहते हो या फिर यहाँ पर ही खड़े होकर एफ्ट करना चाहते हो तो उसके लिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बाद में ठीक कर दूंगी। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब दो चेस्ट निकालो और मेरा इन्वेंटरी का हॉल बेहाल। ओके अब यहाँ से चार ब्लॉक तुम लोग छोड़ो, दो ब्लॉक, एक दो यहाँ पर, फिर दो चेस्ट रखो। तुम लोग चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे वे में इधर से दो तो रख सकते हो। मैं बाद में इसको नीचे से फिर से कर दूँगा, बिकॉज बहुत आयरन होता है इसमें, बहुत आयरन आता है। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे लास्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में था इसलिए। ओके ये वाला हॉपर इसके साथ कनेक्ट करो, फिर इसका साथ ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ पर एक और यहाँ से इधर पर एक, तो कनेक्ट हो गया। अब जो भी गिरेगा डायरेक्ट इसके अंदर आएगा। अब तुम लोग को ये कोई भी तुम लोग साइन ले सकते हो। अब यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ के इसके ठीक ऊपर इधर को ऐसे एक लगा दो, फिर से एक लगा दो, फिर इधर से भी एक और इधर से भी एक। मैं पांच लेकर आई थी, क्यों वो बताती हूँ बाद में चल के। अब देखो अब तुमको यहाँ पे लावा फेंकना पड़ेगा और ग्लास लगाना पड़ेगा। तो लावा किसी भी कॉर्नर से, इस कॉर्नर से भी फेंक सकते हो, इस कॉर्नर से भी फेंक सकते हो, तो मैं इस कॉर्नर से फेंक देती हूँ और ऐसे ग्लास लगा देना, ठीक है। अब तुमको पता ही है ग्लास से तुम ऐसे ओपन कर सकते हो। मैं इसको ना बाद में इधर से तोड़ के थोड़ा और एक ग्लास लगा दूंगी, सोच रही थी, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब कुछ भी आएगा जो भी, लाइक वो हम लोगों का क्या आयरन गोलम आएगा तो वो आएगा मरेगा और यहाँ पर हमको डायरेक्ट सामान मिल जाएगा। अब तुम लोग चाहते हो तो इसको थोड़ा सा इधर उधर से थोड़ा बढ़ा सकते हो, मैं अभी नहीं करूँगी, मैं अभी ऊपर जाऊँ फिलहाल। बाकी नीचे का ये पूरा सिस्टम हो गया है। अब जो करने का है वो सब ऊपर ही है और थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा, पहले मेरा कैरेक्टर ऊपर तो पहुंच जाए। हश पहुंच गई, ओके। अब तुम लोग चाहते हो तो इधर को ट्रैप डोर लगा सकते हो और इधर को मैं साइन लगाने वाली हूँ कि आयरन का फार्म। ओके अब जो भी काम है ऊपर को है, ऊपर को अब बहुत संभल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं वाटर बकेट तो लेके जाऊंगी, बट अभी वाटर डायरेक्ट मैं फेंक नहीं सकती क्योंकि तुमको पता है मैंने नीचे अभी वो क्या है फेंक रख के आई हूँ मैं, हाँ लावा रख के आई हूँ, तो इसलिए मेरे पास है ना। यश अब देखो मैं क्या करूँगी, इधर से ना ऐसे करके ये अभी के लिए क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे करके लगेगा फेंस का गेट, अब इन फेंस गेट को तुम खोल दो ऐसे कर। अब ये वाले इसका कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुम इधर से मैं एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लेती हूँ पहले, ठीक है, तो मुझे बार बार ऐसा आना नहीं पड़ेगा। ये रहा, अब मैं इधर से इस कॉर्नर से एक पानी फेंको ऐसे करके, इस कॉर्नर से एक पानी फेंको ऐसे, फिर इस कॉर्नर से, फिर मुझे यहाँ से दो बाल्टी पानी लेने दो और फिर इसको ऐसे, हाँ मैंने इससे ही तो किया है ना, इसी से ही तो किया है मैंने, वो तो भी किस से रही हूँ पिकैक्स से। वाह मिश्की वाह, अब इस कॉर्नर से एक पानी फेंको, तो अब तुम लोग जिस भी डायरेक्शन में जाओगे तुम डायरेक्ट इधर को ही पहुंचोगे और मैंने अपना खुद का ही मौत का बना लिया था। मैं इधर से जाती हूँ, इधर को एक ब्लॉक लगाती हूँ। अब देखो अब तुमको इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, नीचे का ये ब्लॉक। हाय यार,
ये बहुत ध्यान से, अगर बाई चांस फेंस का गेट टूट गया ना, ओके हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, अब तुमको ऊपर 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 जाना है। इसको मैं तोड़ दे रही हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ से एक पानी का और बाल्टी फेंक दो तो डायरेक्ट वहाँ पर जाएगा, और ये ऑब्वियसली ये जल जाएगा, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी लेकर आना पड़ेगा जो कि मैं रात को ही लेकर आ सकती हूँ। अब यहाँ पर 3 बेड लगा दो, और एक चीज़ भाई इसको कवर करना था, अब के लिए इससे कवर कर देती हूँ। ओके अब हाँ बेड ये रहा। अब यहाँ पर एक बहुत चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़ॉम्बी को तो तुम नेम टैग देके बचा लोगे, ठीक है, वो डिस्पॉन नहीं होगा तुम जितना भी दूर जाओ, बट विलेजर्स को कैसे बचाओगे, तुम विलेजर्स के लिए कोई जॉब ब्लॉक रख दो, वो जॉब अगर ले लेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेड कर लो उनके साथ, मैं तो फार्म वाला कर दूंगी, फार्म वाला कंपोस्टर लगा दूंगी, तो तीनों फार्मर बन जाएंगे, और एक को लेकर आना पड़ेगा, तो उससे वो लोग डिस्पॉन नहीं होंगे चाहे मैं कितना भी ब्लॉक्स दूर चले जाऊँ। वरना तुम सबको पता ही है कि कुछ 128 ब्लॉक शायद से दूर जाने के बाद विलेजर्स डिस्पॉन हो जाते हैं, ठीक है। विलेजर्स मतलब विलेजर्स और नॉर्मल मॉब्स आई थिंक डिस्पॉन हो जाते हैं जितना मुझे पता है, ठीक है। अगर गलत पता है तो तुम लोग प्लीज़ कमेंट में बता देना। अब मुझे लेकर आना है अपना नेम टैग, जो कि तुम लोग को पता है मुझे कब मिला था, फर्स्ट एपिसोड में मिला था हम लोग को एक नेम टैग। मैंने 3 कंपोस्टर बना लिया, तो कोई झंझट ही नहीं चाहिए मेरे को, क्या पता है एक कंपोस्टर दूंगी तो उससे शायद एक ही जन बने बाकी 2 जन ना ही बने, तो मुझे कोई और वो नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर बेड प्लेस कर दो, मैं सोच रही हूँ बेड के नीचे अगर कंपोस्टर लगा दूँ तो भी तो हो सकता है ना, अब होना तो चाहिए, आई थिंक सो में नहीं जाते बन ऐसे बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं अब कंपोस्टर रखने जा रही हूँ, ऐसे ये ये ये, और इसके अंदर ऐसे वो लोग अगर जाए ना ऐसे गिर जाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ना ऐसे ये भी प्लेस कर देता हूँ, शायद सब ये लोग मतलब गिरेंगे नहीं या और वो भी नहीं होगा कोई दिक्कत। और यहाँ पर एक लाइट टॉर्च प्लेस कर दो ताकि कोई और मॉब्स शायद स्पॉन तो भी होगा नहीं, बट फिर भी प्लेस कर देते। अब यहाँ से मुझे निकलना है, जो मैं ऐसे ही मैं ऐसे क्यों निकलूँ, बस एट दी एंड मुझे विलेजेस को लेकर आना है, तो विलेजेस को रात को ही लेकर आ पाऊंगी, यहाँ पर तोड़ के ही निकलना पड़ेगा, विलेजेस तो यहाँ से आ ही जाएंगे ना ऐसे करके, हाँ आ जाएंगे इतना तो जगह है ही। ओ मुझे पूरा रास्ता बनाता रहना पड़ेगा ऐसे तोड़ ताड़ के, शीश। अब नेम टैग में नेम लिख देते, कोई अच्छा सा नाम लिखेंगे। ओके सो गाइज मैंने नेम टैग में नाम क्या लिखा है, देखो ज़ॉम्बी। और अब ये नेम टैग मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गया और किसी और नाम के ऊपर लग गया किसी और को, तो भाई बहुत दिक्कत आएगा। अब मैं ना थोड़ा सा आयरन गोलम को मार करती हूँ, एक चेस्ट प्लेट बनाऊंगी, वरना यार ज़ॉम्बी मार मार के मुझे भूत बना देगा, तो अब जब तक रात नहीं होता मेरे पास भी टाइम पास करने के लिए कुछ और है नहीं, बिकॉज रात को ही अब पूरा जो काम होगा रात को ही होगा। ये सूटअप भाई, सूटअप आधा सूटअप हुआ, ठीक है। ये रहा एक ज़ॉम्बी, आजा मार मेरे को, मार आज तू, मैं ऊपर आ ऊपर आ, प्लीज ना ऊपर आ भाई, देख मैं तेरे लिए ही आई हूँ इधर, भाई तू मेरे ऊपर ऊपर क्यों घूम रहा है भाई, आए है आए है। अब भागो, और भाई ज़ॉम्बी कैसा है बता, जिंदगी में क्या चल रहा है, अब तो यहाँ पे फंसा रहा है ना। ओके गाइज अब ना मैंने इनको यहाँ पर भर दिया है, अब तुम लोगों को इसको, भाई ये एक जन क्यों नहीं ले रहा है जॉब, पता नहीं देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर तुम लोग अब इसको ऐसे करके बंद कर सकते हो, बाकी हाँ मुझे इन लोगों को आके एक ट्रेड करना पड़ेगा, बट अभी हाँ मैं इधर को ही हूँ तो अभी बाद में कर लूँगी। अब इनको यहाँ से बंद कर दिया, अब होप सो ये चलना चालू कर दे अब ये जो फार्म है। सो गाइस
देखो मैंने ये नीचे का एरिया बहुत थोड़ा बहुत तो मतलब बना दिया अच्छा खासा, और वहाँ से ऐसे लैडर भी लगा दिया, और देखो हम लोग का आयरन फार्म चल भी रहा है, काफ़ी सारा आयरन भी मिला है। तो मुझे करीब कितना हुआ होगा, शायद 5-10 मिनट हुआ होगा, चलो 15 मिनट मान लेते हैं। तो 15 मिनट में मुझे इतना मिल रहा है, मैंने देखा नहीं टाइमर, तो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं, 5 मिनट भी हो सकते हैं ठीक है, 10 मिनट भी हो सकते हैं। तो मुझे इतना आयरन मिल रहा है, और मैं सच बता रहा हूँ ये आयरन पम्प बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मजाक भी नहीं, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आयरन बहुत ज़रूरी था, तो बस आई होप सो तुम लोग आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे लाइक, रुको ना एक सेकंड, हाँ आयशा बैकग्राउंड में इसको लेने का होता है, हाँ तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और होप सो तुम लोग को आयरन फॉर्म समझ आया और मैंने अच्छे से समझा पाई, होप सो, मुझे नहीं पता ना, बाकी तुम लोग बता देना समझ आया, तुम लोग बनाओगे क्या अपने वर्ल्ड में या ट्राई भी करोगे। आई नो इससे बहुत अच्छा अच्छा आयरन फॉर्म लगता है, जो कि भाई रेडस्टोन लगता है, मेरे पास रेडस्टोन वगैरह रिपीटर ये सब के लिए मेरे पास कुछ ही नहीं है, तो ये मेरे लिए लगता है कि विदाउट रेडस्टोन वाला कुछ भी ये अच्छा है ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे या फिर लाइव स्ट्रीम में, और अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, तो और मिलते हैं नेक्स्ट और एक मज़ेदार वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीम में, तो टाटा बाय, और बताना तुम लोगों को कैसा लगा ये फार्म।